अमिताभ बच्चन पर लगा चोरी का इल्जाम। ये चोरी कविता की चोरी कही जा रही है। अमिताभ बच्चन जो कि अपने सोशल मीडिया पर अक्सर शायरियां, जुमले और पोएम्स शेयर करते हैं, उन पर अब एक पोएम चोरी का इल्जाम लगा है। पोएट ने खुद अमिताभ की पोस्ट पर आकर उन पर यह इल्जाम लगाया है। आपको बता दें कि अमिताभ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कविता शेयर की, जिसमें उन्होंने जिंदगी को चाय की तरह बताया है और कहा है, ये जिंदगी की चाय है जनाब, इसे तसल्ली के कप में छान कर घूंट घूंट कर मजा लीजिए। अमिताभ की इस पोस्ट पर एक लड़की ने कमेंट करते हुए कहा है, जब अमिताभ आपकी पोस्ट कॉपी करे और उसमें आपको क्रेडिट भी ना दे, खुश होएं या रोएं। टिशा अग्रवाल नाम की इस लड़की ने अमिताभ की इस पोस्ट पर ये बात कमेंट की है। टिशा खुद एक पोएट है। 24 अप्रैल 2020 को टिशा ने ये कविता लिखी थी और इसको उन्होंने अपने फेसबुक पर भी शेयर किया था। हालांकि इस पूरे मामले पर टिशा को अभी तक अमिताभ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन टिशा को इंतजार है कि महानायक का इस पर रिएक्शन क्या होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है हम उसको ऐसे ही शेयर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि अमिताभ बच्चन महानायक है तो वो क्या शेयर करते हैं उस पर लाखों लोगों की नजर पहुंचती है। और ऐसे में टिशा, जिन्होंने खुद ने ये पोयम लिखी है, उनकी भी नजर अपनी ही पोयम पर पड़ गई जो अमिताभ बच्चन ने शेयर की। अगर अमिताभ बच्चन उनका नाम मेंशन कर देते तो डेफिनेटली टिशा को पॉपुलैरिटी मिलती।